नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी बार क्या होता है कि जब हमें सी लिखना होता है तो या तो एस वाई लिखना पड़ता है या फिर सी वाई लिखना होता है, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई एस वाई सही है सी लिखने के लिए या फिर सी वाई सही है। दोनों ही बहुत कन्फ्यूज़न है कि दोनों में से कौन सा सी सही है। कभी तो हम लोग सी वाई लिख देते हैं सी लिखने के लिए, जैसे कि आप लास्ट में देख रहे हैं, कभी हम एस वाई लिख देते हैं। पर क्या होता है कि जहाँ पर हमें एस वाई लिखना होता है वहाँ पर हम सी वाई लिख देते हैं, और जहाँ पर हमें सी वाई लिखना होता है वहाँ पर हम एस वाई लिख देते हैं। तो कैसे समझे कि कहाँ पर सही तरीके से लिखा जाए और कौन सा सी सही है, तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लिखना सही होगा। एस वाई आपको कहाँ लिखना है और सी वाई कहाँ लिखना है। यकीन मानिएगा, अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं आती है, अगर हम उसे सीख लेते हैं तो हम अच्छे से इंग्लिश सीख जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये सीख सकें। सीखने से पहले एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ उसको कीजिएगा ताकि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्री में इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखने को मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी और आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उसे टच कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और बाकी इंग्लिश के लिए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप आसानी से सीख सके। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी आपकी तरह सीख सके और उनका भी भला हो सके। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। शुरू करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बोला कि लास्ट में जब सी आता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें एस वाई लिखना है या फिर सी वाई लिखना है। दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत है या फिर इनमें से एक सही है, चलिए जान लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही सही है, यानी कि एस वाई भी सही है और सी वाई भी सही है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। पर क्या होता है, मान लीजिए आपको लिखना है कहीं पर सी। अभी मैं सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आपको लास्ट में सी लिखना है तो आप सोचोगे भाई सी के लिए तो एस वाई होगा या फिर एस आई होगा या फिर सी वाई होगा। अब देखिए, सी लिखने के लिए आपको एस वाई या सी वाई, इन दोनों में से एक को लिखना पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। पर कंफ्यूजन ये है कि भाई वहाँ पर सी वाई लिखे या फिर एस वाई लिखे, तो ये रूल्स हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर एस वाई लिखा जाता है कहाँ पर सी वाई लिखा जाता है, ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो सके और आपसे आगे कोई ना हो सके। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उनके लिए अच्छा करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। चलिए सीख लेते हैं कौन से रूल्स हैं और कहाँ पर क्या लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अंग्रेजी में बहुत कम शब्दों में अंत में एस वाई लिखा जाता है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर आप लोग सुन नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मैं मानती हूँ कि सब लोग ऐसे होंगे जो सुन सकते होंगे बोल सकते होंगे, पर 1% ऐसा हो सकता है, तो उन लोगों के लिए भी हेल्प हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एस वाई वाले बहुत ही कम होते हैं, ये चीज़ तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एस वाई लिखे या फिर सी वाई लिखे सी के लिए, तो एस वाई वाले जो होते हैं वो गिनती के 7-8 ही होते हैं। अब वो कौन से हैं ये मैं आपको बता दूंगी। तो एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी कि भाई एस वाई जहाँ लिखना है वो 7 या 8 जो भी मैं बता रही हूँ उतने होते हैं, और वो मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगी कि कौन कौन से हैं। आपको वो याद कर लेना है, और फिर क्या है जी, कहीं भी लिखिए सी वाई एस वाई, आपको तो पता ही है ना कि कहाँ पर कौन सा लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से हैं, लेते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला पॉजिटिव, यानी कि ये जो पहला वाला है वो आपको लिखना है और उसको याद करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मानती हूँ, पर याद करोगे तो हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं पर मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए खुद भी बोल के बता देती हूँ, है फर्स्ट, यानी कि कल्पना करना। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा भी हमें याद हो गया जी। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो देख लीजिए, लास्ट में है एस वाई,
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इनके पीछे जो लास्ट में है वो एस वाई आता है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पर भी एस वाई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर आता है एस वाई, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तीन तो ये हो गए जो आपको दिख ही रहे। ट्रस्टी भी बहुत ही ईजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ही हार्ड है या फिर हम इसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। पहले आपको अलग अलग कर देना है, दो दो जितने भी दो दो वर्ड्स हैं उनको अलग करके फिर पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए अब ये तीन और तीन टोटल हो गए छः, तो आपको ये छः याद रखने हैं। और इनको आसानी से सीखने के लिए आपको क्या करना है, लिख के याद करना है। आप एक कॉपी पर लिख लीजिए और ये जितने मैंने छः बताए हैं उनको लाइन से लिख दीजिए, और उनको एक लाइन काट के कम 10-12 बार आपको लिखना है। एक एक वर्ड्स को 10-12 बार लिखेंगे तो आपका बिल्कुल सही जाएगा। डेली लिखिए या फिर एक दो दिन लिखिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं अच्छी इंग्लिश सीखना तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप सीख सके, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप ये 6-7 जो भी है इनको लिख के रख लीजिए और बाकी सब में सी वाई लिखिए। अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप सिर्फ इनके दिमाग में रख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे बोलने आने चाहिए, आपको देख के भी समझ में आने चाहिए। और एक और इजी तरीका मैं आपको बताऊं याद करने का, वो ये है कि आप इसको बोल के ना रिकॉर्डिंग कर लीजिए। इन जितने भी ये 6-7 हैं इनको बोल बोल के अपने फ़ोन में एक बार रिकॉर्डिंग करके ना लीड लगा के सुनिए उसको। रोज़ 5 मिनट नहीं तो 1-2-3 सुनेंगे 5 मिनट तो आपको वो आपकी जुबान पे यानी बैठ जाएंगे, ठीक है। अब हमें जानने हैं सी वाई वाले, ठीक है। वो 6 थे याद रखिएगा, एस वाई वाले कितने थे, 6 थे, वो आपको याद करना है। बहुत ही सिंपल है, 6 है बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए सी वाई वाले मैंने 3 क्यों लिखे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए सी वाई वाले वैसे बहुत सारे होते हैं, यानी कि एस वाई के सिर्फ वो 6 ही हैं, और उनको छोड़ के जितने भी आपको एस सी लिखना होगा वहाँ के सभी में आपको सी वाई लिखना है। बस इन 6 में आपको एस वाई लिखना होता है, बाकी किसी में भी आपको एस वाई नहीं लिखना है। ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ 6 जो वर्ड्स हैं आपके उसी में एस वाई लिखना है, बाकी सब में सी वाई लिखना है। तो ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ लिख दिए हैं कि हाँ भाई देखिए प्राइवेसी है, ये सब है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और मैं हमेशा ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि भाई आपको लगे कि हाँ भाई बिल्कुल ईजी है बोलना और लिखना, जो भी है आपको इजी तरीके से सिखाती हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, पर क्या करती हूँ जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ थोड़ी सी भी उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा हिम्मत दे सके, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और आपके लिए कुछ खास ला सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी लोग सीख सकें। बाय बाय फ्रेंड्स।